क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं माय पाय। आज इसे हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि पाइथन 12 जो है, 3.12 जो है, वो हमें कहता है कि आप हमें स्टैटिक टाइप दे सकते हो। तो हमने इसे टाइप देके भी ट्राई किया। लाइक मैं दोबारा से कहता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है क्या है, ये लिस्ट है। किस चीज की लिस्ट है? ये एसटीआर की लिस्ट है। और मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ और उसके अंदर दो नाम पास करता हूँ, बिलाल और रतनलाल। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे रतनलाल पास कर दिया, मैंने सेव किया, मुझे कोई एरर नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे रतनलाल की उम्र पास कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं मालूम, मैंने 21 लिख दिया, तो मुझे एरर आ जाना चाहिए सेव करने के बाद, जो कि आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया इस वेरिएबल में कि भाई ये एक लिस्ट है और इसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो इस तरह भी हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इस तरह भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ फ्रॉम टाइपिंग में से टाइप को ले इंपोर्ट करो। टाइपिंग में से किसको इंपोर्ट करो? टाइप को इंपोर्ट करो। तो कौन सी टाइप? अभी हमने क्या बनाई है? लिस्ट बनाई है। तो मैं कहता हूं कि भाई लिस्ट को इंपोर्ट करो। यहां से मुझे कुछ नहीं करना है, यहां से मुझे कर देना है इसको लिस्ट। ठीक है, मैंने ये वाली टाइप अब यहां पर असाइन कर दी। देखो एरर अपनी जगह बरकरार है। अगर मैं यहां से ये चीज मिटा दूं और सेव करूं, तो क्या अब हमारा एरर चला गया? हमारा एरर बिल्कुल जा चुका है। इसका मतलब है कि हम टाइपिंग में से टाइप को इंपोर्ट करके भी इसको असाइन कर सकते हैं। लाइक अभी हमने लिस्ट बनाई है, लिस्ट के बाद हम कहते हैं भाई डिक्शनरी लेकर आओ। अब हम डिक्शनरी बनाते हैं, तो डिक्शनरी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट करता हूँ। डिक्शनरी के अंदर भी हम यही करेंगे। पहले हमने जो बनाई थी डिक्शनरी, वो हमने किस तरह बनाई थी? हमने कहा था डिक, और फिर इसके अंदर इसकी टाइप बता दी थी। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये डी को है सिर्फ कैपिटल कर दिया। क्यों? कि अब मैं ये टाइपिंग को इंपोर्ट करके ला रहा हूँ टाइपिंग में से। ठीक है, और यहाँ पे हमने कह दी कि भाई इसकी जो की है वो एसटीआर है, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? उसकी वैल्यू होगी, चलो वो भी एसटीआर होगी, इसकी वैल्यू भी एसटीआर होगी। अब हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी के लिए मैंने कहा क्या? मैंने कहा नेम, और नेम के अंदर मैंने कहा होगा रतनलाल। अब मैं इसको सेव करूं तो मुझे एरर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मुझे एरर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और अगर मैं इसको नेक्स्ट एक और हम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, मैं कहता हूं एज, क्योंकि हमें नहीं मालूम, मैंने एज के बाद इसको कहा कि इसकी एज है 21। अब इसे सेव करता हूं तो मुझे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि हमने कहा है कि भाई डिक्शनरी है ना, उसकी जो की है, ये की है वो भी स्ट्रिंग होगी, और ये इसकी वैल्यू वो भी स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे वैल्यू 21 हो गई, इंटीजर हो गई, तो मैंने इसको क्या स्ट्रिंग बना दिया। अब मैं अगर सेव करूं तो मेरा एरर चला गया। आसान है, इस तरह से हम डिक्शनरी की टाइप भी दे सकते हैं। इसमें एक चीज का और ख्याल रखना, इसको मैं कमेंट करता हूं और इसकी एक कॉपी बना देता हूं, और यहां पे इसको अनकमेंट करते हैं समझने के लिए। यहां पे मैं कहता हूं, इसको मिटाते हैं पहले, यहां पे मैं इसको कहता हूं, इसको भी मिटा देते हैं थोड़ी। अब मैं कहता हूं कि इसकी जो की होगी ना, की वो इंट होगी, ये याद रखें की जो है या इंटीजर होगी या स्ट्रिंग होगी, ठीक है, और कोई टाइप नहीं हो सकती, या की इंटीजर होगी या फिर स्ट्रिंग होगी। क्योंकि अब हम देते हैं कि भाई टू जो है, टू क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए टू, सही। बस एक लॉजिकल बात कर दी मैंने, जिसकी कोई लॉजिक नहीं, बस मैंने यहाँ पे की जो है इस बार इंटीजर कर दी और उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग कर दिया। अगर मैं इसको टू को भी स्ट्रिंग कर दूं, मुझे एरर मिलना चाहिए। मिल गया एरर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां बता दिया कि इसकी जो की है वो इस बार इंटीजर होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। अब मुझे यहाँ पे अगर इसको एरर को खत्म करना है, तो मुझे यहाँ पर जो इसकी की जो टाइप है वो एसटीआर करनी होगी। तो मेरा एरर चला गया। क्लियर हो गई बात यहां तक भी? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम यहां से टपल भी बुला सकते हैं, टपल भी बना सकते हैं। और टपल का क्या तरीका कार है? यही तरीका कार है। मैं कहूंगा कि भाई मुझे एक टपल बना के दो, जिसकी पहली वैल्यू एसटीआर होगी, दूसरी वैल्यू इंट होगी, तीसरी वैल्यू फ्लोट होगी। ठीक है, ये टपल मुझे बना के दो। तो अब टपल बनाते हैं। पहली वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग है, नाम पास करते हैं रतन, रतन लाल। दूसरी क्या है? इंटीजर है, इसकी एज है भाई, तो इसकी एज हमें नहीं मालूम, 20 20 कर देते हैं, नाराज हो जाता है ज्यादा बताते हैं तो। और फिर इसकी इसकी हाइट बता देते हैं, फ्लोट मतलब हाइट बता देते हैं कि भाई इसकी 5.2, देखा तो कभी नहीं है लेकिन 5.2 अंदाजन बता रहा हूं। तो मैं अगर सेव करता हूं तो देखिए मुझे यहाँ पे एरर नहीं मिल रहा।
के बदले अगर मैं 5.2 को या 20 को स्ट्रिंग कर दूं तो मुझे एरर मिलना चाहिए। क्या एरर? क्यों? क्योंकि हमने कहा इसकी जो तीनों वैल्यू है उसकी टाइप बता दी, लेकिन हमने उसकी एक की टाइप बिगाड़ दी, दो को हमने स्ट्रिंग कर दिया, तो यहाँ पे मुझे अगर str कर दूं और सेव करूं तो मुझे एरर चला जाना चाहिए। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। ओके, इसे भी कमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेट के ऊपर। ठीक है, सेट बनाते हैं। सेट हम कहते हैं कि लाइक a, और a की जो वैल्यू क्या है, a की टाइप क्या है, सेट। और सेट के अंदर कौन सी वैल्यू होगी? भाई सेट के अंदर वैल्यू होगी स्ट्रिंग। ठीक है, सेट के अंदर वैल्यू होगी स्ट्रिंग। मैं कहता हूं सेट के अंदर, सेट के अंदर मैं कहता हूं बिलाल, रतनलाल, और आप और मजीद और बनाना चाहे तो बना लें। ठीक है, समझने के लिए मैं सेव करूं तो मुझे एरर नहीं मिल रहा। इसके अगेंस्ट अगर मैं कहता हूं 22, सेव करता हूं तो मुझे एरर मिल गया। क्यों एरर मिल गया? क्योंकि मुझे, मैंने यहां बताया कि जो सेट की टाइप है ना भाई, वो सिर्फ स्ट्रिंग है। इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है, इंटीजर नहीं आ सकती, तो इस वजह से इसने हमें एरर पास कर दिया। यहां तक भी बात क्लियर हो गई? इसको मिटा देते हैं, सेव कर देते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से कर हम टाइप को इंपोर्ट करके यहाँ पर बता सकते हैं, और उससे पहले जो हमने तरीका जाना था उसके अंदर भी जो एक अलग डिफरेंट तरीका था, और यहाँ से इंपोर्ट की गई है टाइपिंग, उस वक्त हमने इंपोर्ट नहीं की थी। आप इस तरीके से टाइप देना चाहें ये भी सही है, आप उस तरीके से टाइप देना चाहें ये भी सही है, जो आपका मन करे दोनों में से वो यूज करें। और इसको एक और चीज कि इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, ये NumPy की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये सारी चीजें देखो यहाँ पर दी हुई है। मैंने कोई अपनी तरफ से, कोई अपनी कारीगरी, कोई अपनी सोच नहीं लगाई, बस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आपको सुना दी, और आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सिखा रहा हूं, ताकि डॉक्यूमेंटेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं, कोई भी नई टाइप आएगी हमें नहीं पता, हम चले जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और हम यहाँ पर पढ़ के इजीली अपने एरर को, अपनी टाइप को हैंडल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।